Hey everyone, my name is Dhruv and you welcome to my YouTube channel iDhruv. Getting started with today's topic, the PPF versus ceramic coating. ये एक काफ़ी ज़्यादा demanded and काफ़ी hot topic है. कई लोगों का doubt build हो चुका है, कई लोग बहुत ज़्यादा वहम में हैं कि दोनों का purpose क्या है. So ये video के अंदर मैं purpose बताऊँगा and इसका आपको use बताऊँगा that what will be good and what will be beneficial for your bike. Whether your bike is classic, electric, doesn't matter. ये हर bike के लिए apply करता है, first thing. And second thing that this will be divided in two parts, which is gloss and matte. इन दोनों के काफ़ी concepts अलग हैं. जितने भी doubts and queries हैं वो ये video ज़रूर आपको answer दे देगी. And साथ ही साथ आपको करना क्या, अगर आप channel पे नए हो तो subscribe कर देना है channel अभी की अभी, उस लाल button को कर दो great. And also press the bell icon notification ताकि आप मेरी आगे कोई भी video miss ना करो. So with this say, PU create new. Let's get started with the video. So first in hand, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि PPF and ceramic coat ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं and आपकी bike के लिए ये क्यों important है. तो हम पहले बात करेंगे ceramic coating की and दूसरी बात करेंगे हम अपनी PPF की. Now अब बताता हूँ मैं आपको ceramic coat हम क्यों करते हैं. आपने बहुत सारी YouTube पर वीडियोस देखी होंगी, हर जगह देखी होंगी, डिटेलिंग वीडियोस देखी होगी कि एक बार अगर सिरामिक कोटिंग का काम आपकी गाड़ी पर हो जाए, आपकी बाइक पर हो जाए, तब उसके बाद उसकी जो शाइन होती है दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मतलब उस चीज़ का कंपटीशन कभी PPF ने अगर किसी पॉलिश ने नहीं दिया. एंड दैट प्रोटेक्ट्स योर कार फ्रॉम हेल लॉट ऑफ थिंग्स सच एज वेदरिंग, पेंट प्रोटेक्शन. ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ियों का जो पर्पस है वो सिरामिक कोटिंग सर्व करती है. पर इसी हाथ पर जब हम आ जाते हैं उस बाइक को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोज यू आर टेकिंग योर बाइक टू लद्दाख, फर्स्ट थिंग दैट इज चिपिंग ऑफ द पेंट. जब आप बाइक चलाते हैं, जब आप कोई भी चीज़ एडवेंचर वे में लेकर जाते हैं, उसके अंदर बाइक का जो पेंट है वो चिप ऑफ होने का डर रहता है कहीं कहीं से, जहाँ पर स्टोन्स हाईवे पर या फिर उड़ते हुए आपकी बाइक पर लगते हैं. इज ओनली सक्सेसफुल आपकी अगर पेंट जॉब परफेक्ट है तो. अगर आपकी पेंट पर एक भी डीप स्क्रैचेस नहीं, क्योंकि डीप स्क्रैचेस तो कोई भी चीज नहीं मिटा सकती सिवाय रीपेंट के, क्लियर ऑफ माइनर स्क्रैचेस जो बहुत नॉर्मल नाखून वगैरह से लग गए या फिर किसी मेटल ऑब्जेक्ट से या फिर कीज से जो निशान, सिरामिक कोटिंग वो सारे स्क्रैचेस निकालने में कामयाब रहती है. सिरामिक कोटिंग नेवर सेव्स यू फ्रॉम डीप स्क्रैचेस और या फिर किसी ने आपकी बाइक के ऊपर अपनी कीज से लगा दिया उसके ऊपर एक डीप स्क्रैच. सो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू टेल अबाउट द सिरामिक. देन वी कम टूवर्ड्स PPF. PPF मतलब पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, या तो वो होती है ग्लॉस सरफेस पर. सेकेंडली आ जाती है हमारी मैट बाइक्स के ऊपर, दैट इज आर बाइक द रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक और द जावा पराग दैट कम्स इन स्टेल्थ ब्लैक. सिरामिक कोटिंग करवाती है, सिरामिक कोटिंग आपके आपका जो बाइक का पेंट होता है, आपकी बाइक के जो ओवरऑल पार्ट्स होते हैं उनको बचाती है रस्टिंग्स. एक्चुअली मेंटेन करने के ज़्यादा काम आती है ये जो चीज़ होती है इसके अंदर. कहीं मान लो आपकी बारिश में भीग कर आई है बाइक, तो आप जस्ट एक कपड़ा लगाओगे, माइक्रोफाइबर यूज़ कर रहे हो, तो आपका बाइक क्लीन हो जाएंगी. अगर आपके पास एक प्रॉपर पार्किंग स्पेस है, आप बाइक को मेंटेन कर सकते हो, देन ऑलवेज गो फॉर सिरामिक कोटिंग. देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर मनी इन PPF. अगर आपके पास आ जाती है लैमिनेशन का ऑप्शन, क्योंकि सिरामिक कोटिंग का जो प्राइस पॉइंट है वो काफी हाई रहता है. अभी बाइक पे जाके आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा दैट व्हाट इज वर्थ फॉर यू. गाइस एक और चीज नोट करना कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने लोगों के एक्सपीरियंस से लिए हैं. मैंने कभी सिरामिक कोटिंग कराई नहीं है, ना किसी व्हीकल पर कराई है, ना कहीं कराई है. ये जो कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग है ये सबके पास होगी दैट व्हाट विल प्रोटेक्ट your bike till how much. लैमिनेशन आपकी बाइक को हार्ड कोर प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी मोटी लेयर ऑलरेडी ऐड हो जाती है आपकी बाइक की बॉडी के ऊपर, दैट इट विल सर्व द पर्पज टू नॉट अटेन एनी स्क्रैच ऑन योर बाइक टिल जब तक वो लगी हुई है. एंड इसका जो लाइफ पीरियड होता है, मेरे YouTube चैनल पर जाओ एंड देयर सर्च फॉर क्लासिक 350 लैमिनेशन और PPF वीडियो. टॉप लेयर है पेंट की, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी, चाहे वो लैमिनेशन ग्लॉस हो या फिर वो मैट हो, दोनों के अंदर एकदम सेम रहती है एंड इट प्रोटेक्ट्स योर बाइक लाइक एनीथिंग. मैंने अपनी बाइक के ऊपर कभी सिरामिक कोटिंग नहीं करवाई है, सो आई डोंट नो द एक्सपीरियंस. पर जितनों से मैंने सुना है दैट लास्ट टिल 2 ईयर्स एंड 2 ईयर्स तक उसको
बार बार हमें लेयर्स बनानी पड़ती हैं, पर एक बार जब आपने PPF लगा दी उसके बाद आपको कोई लेयर लगाने की जरूरत नहीं है अप टू 1 ईयर। एक साल बाद आपको रिमूव करके उसको वापस लगवाना पड़ता है, दैट इज फॉर श्योर। जहां तक बात करते हैं दोनों के प्राइसेस की, दोनों की वैलिडिटी और दोनों की इफेक्टिवनेस ऑन योर पेंट एंड दोनों की इफेक्टिवनेस कि जब आपकी लैमिनेशन या फिर सिरामिक कोटिंग खत्म हो जाएगी, ये चार चीजें मैं आपको देता हूँ बाहर बाइक पर जाकर प्रैक्टिकली। अगर आप इन स्क्रैचेस को देख पा रहे हो और ये समझ रहे हो कि ये मेरे टैंक पर है, नहीं, इसके ऊपर PPF है। अगर ये PPF ना होती तो ये चीज़ टैंक पर नहीं, अपने दिल पे होती। अब जब मैंने आपको PPF और सिरामिक कोट का डिफरेंस समझा ही दिया था और साथ साथ अब ये बता दिया था कि PPF होती कैसे है एंड सिरामिक कोट किसी होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ इनके प्राइजेस। सिरामिक कोटिंग के जो प्राइजेस हैं वो रेंज होते हैं कहीं ना कहीं 4,000 से 5,000 रुपये, एंड जो PPF है कहीं आप 3M पे जाएंगे या कहीं जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट कॉस्ट होती है 2,000 to 3,000 rupees डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स यू हैव टू गेट कवर्ड। पार्ट्स जो जो कवर होते हैं हमारी PPF के अंदर, सिरामिक के अंदर हमारी फुल बॉडी कवर होती है, मतलब एक एक पार्ट, वेदर इट इज इंजन, टायर्स और एनीथिंग, द होल बॉडी इज कवर्ड इन सिरामिक कोटिंग। वेदर इन PPF, फ्रंट मडगार्ड, द टैंक, दिस इज नॉट कवर्ड बिकॉज यहाँ पर PPF को बिठाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। द टैंक, द साइड बॉक्सेस, दिस FI सिस्टम एंड जो हमारा रेयर मड गार्ड होता है, कई लोग हमारी हेडलाइट्स होती है एंड काफ़ी सारी अलग चीज़ें होती हैं वो भी ज़रूर कवर करा लेते हैं, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ चॉइस। बट वॉट एक्चुअली मैटर्स आर दीज पार्ट्स ओनली विच आर कवर्ड इन PPF, वेदर इट इज एनी वेदर, इट वुड प्रोटेक्ट योर पेंट टिल डेप्थ। एंड जब बात करते हैं हम सिरामिक कोट के बारे में, सिरामिक कोट के अंदर हमें कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता है, बल्कि PPF के अंदर हमें कहीं ना कहीं उसको सेटल डाउन करने के लिए करनी पड़ती है कुछ बॉर्डर्स व टेपिंग। जब मैंने PPF कराई थी, पर्सनली मैं बताऊँ, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, पता चल जाएगी बाकी सारी डिटेल्स। एंड जब PPF की बात करते हैं, PPF मैंने कराई थी करोल बाग से फ्रॉम यश ग्राफिक्स, आई विल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स उनकी मैं दे दूंगा। एंड द कंप्लीट बाइक वॉज फॉर जस्ट ₹1,000 के अंदर मुझे क्या कवर हुआ, द फ्रंट मडगार्ड, टैंक, द साइड बॉक्सेस एंड द रेयर टेल टाइडी, टेल टाइडी मतलब दिस सेक्शन एंड दिस। अब आप एक शॉट देखो जब मैंने इस लगे हुए PPF को उतारा था कुछ 1.5 महीने बाद। लेट मी शो यू, अगर आप PPF लगा के रखते हो 1 महीने तक, चाहे वो 1 महीना हो 6 महीने हो, वो ऐसे ही रहेगा। और अब मैं इसको आपको रिमूव करके दिखाता हूँ कि क्या ये हमारी बाइक की मेंटेनेंस में एड इफेक्ट करता है या नहीं। अब देखो मैं इस चीज़ को निकाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दम लग रहा है इसको निकालने में। As you can see, this is very, very tight, and yes, the glue is intact as normal, and you can see the surface. The surface is highly protected. You can see, अभी यहाँ पे एक टुकड़ा लग गया इसका, ये लो। Now, कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि that आपने एक local shop से करवाया? This PPF costed me just 1,000 rupees from. पता नहीं आपको कैमरा से या नेकेड आई से दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ पर एक लाइन देख पा रहे हो आप लोग, हल्की सी विजिबल होगी, एकदम ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर कोई भी ग्लू स्टेन नहीं है, पूरी की पूरी ग्लू इसके ऊपर है। नाउ दिस इज अ कॉल्ड अ PPF क्वालिटी, यू कैन सी। आप देखो इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो ये दोबारा चिपक रहा है। एज यू कैन सी, PPF उतारने के बाद चाहे वो 1.5 महीना हो या फिर हो पूरा साल, वो उतरेगा ऐसे ही। रिकमेंडेड होता है कि जब आप एक काम करिए, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको आप जाकर देखिए मेरी PPF वाली वीडियो के अंदर। जहाँ तक मैं बात करता हूँ PPF की, वो संभाल लेता है हमारे सारे के सारे डेप्थ स्क्रैचेस, चाहे कोई भी स्टोन्स लगे, चाहे कुछ भी लगे, वो हर चीज़ को बाइक से रखेगा प्रोटेक्ट। हमारे नॉर्मल बॉडी पार्ट्स पर नहीं होता, हीटिंग पार्ट्स पर नहीं होता, जबकि सिरामिक कोटिंग हो जाता है हमारे सारे पार्ट्स के ऊपर। अगर आप एक बाइक चलाते हैं और मैं पूछूं आपसे आकर, क्या आप PPF करवाना चाहेंगे जहाँ पर आपके स्क्रैचेज लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं आएंगे जब तक उसके ऊपर PPF है, या फिर आप 5,000 rupees की सिरामिक कोटिंग करवाएंगे जहाँ पर स्क्रैच अगर लगेगा तो वो लगेगा ही। बट वॉट सिरामिक कोटिंग डज इज इट ओनली गिव्स राहत फ्रॉम वॉशिंग योर कार और एनीथिंग, मतलब वो गाड़ी साफ रखने के काम आती है। पर अगर आपको गाड़ी साफ ही रखनी है तो आप देख लीजिए मेरी मेंटेनेंस की वीडियो, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एंड इट्स बीन आई थिंक 1 वीक जब मैंने बाइक पर सिर्फ नॉर्मल कपड़ा बांधा है एंड यू कांट सी एनी डस्ट ऑन इट, तो दिस मींस दैट पॉलिश इज वर्किंग वेरी गुड। एंड जो पॉलिश का नाम है वो आपको उस वीडियो में मिलेगा, तो जाकर देखो वो वीडियो, अभी नहीं,
वीडियो के बाद। जब मैंने पीपीएफ करवाई थी तो बाइक एकदम बेयर थी, इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं थे। हालांकि मैंने पीपीएफ करवाई थी अपनी बाइक लेने से एक महीने बाद। सिरामिक कोटिंग का मैंने सोचा था, पर सिरामिक कोटिंग मेरे एरिया के अंदर, स्पेशली ऐसी जगह पर जहां पर मैं उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रख सकता, सिरामिक कोटिंग मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि स्क्रैच लगने ही लगने थे उसके ऊपर। और जब हम बात करते हैं हमारी पीपीएफ के बारे में, पीपीएफ मेरे बहुत ज्यादा काम आई है, क्योंकि हर बच्चा हर बड़ा वो ये देखता था, उन सबके लिए, हर किसी के लिए ये जो पेंट है ये बहुत ज्यादा नया है। तो इस पेंट को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा टेक्निक्स लगती है, काफी ज्यादा चीजें लगती हैं, जिसके अंदर पीपीएफ ने अच्छा खासा रोल अदा किया था बाय सर्विंग द स्क्रैच रेजिस्टेंसी। चलो मैंने कॉस्ट बता दी, आपको यूज बता दिया, आपको तरीके बता दिए कि पीपीएफ हमें क्या देता है एंड सिरामिक कोटिंग हमें क्या देता है। आप बनते हैं एक अच्छी जनता जो मेरे को बताएंगी कि यार पीपीएफ ले या फिर सिरामिक कोटिंग। इट इज वेरी सिंपल टू जस्टिफाई, इट इज वेरी सिंपल टू नो। अच्छा ठीक है, मेरे को एक बात बताए जरा, अगर मैं तेरे से पूछूं कि तेरे पास एक कॉपी है, उस कॉपी के ऊपर को स्क्रैचेस नहीं आने, तो उसके ऊपर कॉपी का कवर चढ़ाएगा या फिर, या मैं तेरे को एक बोतल दूंगा उसके ऊपर एक लिक्विड होगा उसके अंदर, या फिर उस बोतल से ना उस लिक्विड से कॉपी को साफ कर दे, तो फिर वो बस कॉपी साफ रहेगी। इस बात की गारंटी नहीं है उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, पन्नी चढ़ाने से इस बात की गारंटी कि उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अब ये बता, तू लिक्विड लगाएगा या फिर तू पन्नी चढ़वा लेगा कॉपी को? पन्नी चढ़वा लूंगा। अरे वाह। So here's the boy, what's your name? My name is Prince Kumar. क्या बात है, जाओ खेलो। So Prince ने जैसा कहा, it's a common man's understanding, like he said that PPF will serve the justice. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता या कुछ अंडरस्टैंड नहीं करवा सकता। जब तक बात आ जाती है हमारी प्रीमियम बाइक्स की, जो हमारे सिर्फ सैटरडे एंड संडे ही निकलती है, गाड़ियां हो गई, बाइक्स हो गई, प्रीमियम सेगमेंट्स के मॉडल्स हो गए, उनके ऊपर सिरामिक कोटिंग करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप करवा रहे हो अपने डेली यूज के ऊपर एक सिरामिक कोटेड बाइक, और आप उसको कह रहे हो कि भाई स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, तो ये कहां का जस्टिस हुआ एंड कहां की समझदारी हुई फॉर गोइंग फॉर सिरामिक कोटिंग, इंस्टेड गो फॉर पीपीएफ जस्ट 1000 रुपीज। अब आप सुंदर सी बाइक को तो देख ही लेंगे, इसके ऊपर ना कोई स्क्रैचेस है ना कोई चीज़ है, पर इसके ऊपर एक ऐसा डीप स्क्रैच आ चुका है। उस डीप स्क्रैच के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई थी, मैंने सोचा अपनी तरफ से कि मुझे करवानी पड़ेगी ये जो पीपीएफ है चेंज, पर इसके अंदर ये नहीं हुआ। हुआ क्या था, दैट आई जस्ट पार्क्ड माय बाइक एंड आई हैड अ हैमर इन माय हैंड, आई डोंट नो मैं उसका क्या कर रहा था, मुझे अब तक कुछ नहीं पता चला है। हथौड़ा मेरे हाथ से छूटा एंड इट फॉल्ड ऑफ ओवर हियर, यू कैन सी द स्क्रैच हियर। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हो गया मेरा पेंट रिप ऑफ। पेंट रिप ऑफ के चक्कर में इसको ना पीपीएफ बचा पाया ना कुछ, पीपीएफ जरूर यहाँ से पील ऑफ हो गया, क्योंकि हैमर का जो वेट था वो काफी ज्यादा था। इस चक्कर में पीपीएफ ने भी पीपीएफ को भी वो फाड़ गया। आई डोंट से कि 1000 वाली ही करवाओ, पीपीएफ की जो क्वालिटी जाती है 3000 तक, 4000 5000 तक भी जाती है, विच आर नॉन टेरेबल पीपीएफ, सेल्फ हीलिंग पीपीएफ, सो आप वो भी करवा सकते हो। यार क्या मौसम हो चुका है यार दिल्ली का, दिल्लीज वेदर इज बेस्ट राइट नाउ इन इट्स बेस्ट स्टेज, क्योंकि बारिश हो रही थी तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, पर मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन रखता हूँ, दैट ऑलवेज गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके मन में कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर दैट। सो गाइज, दिस वॉज ऑल माई पॉइंट अबाउट द पीपीएफ वर्सेस सिरामिक कोट। उस बच्चे ने आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे दिया है कि क्या बढ़िया है एंड क्या अच्छा है। इस बाइक के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स लगे उन सबके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आपको बाइक काफी भरी भरी लग रही होगी, आप में से कई सारे लोग नए होंगे जिन्होंने बाइक ली होगी, सो प्लीज गो एंड वॉच माय पीपीएफ वीडियो, माय लैमिनेशन वीडियो, माय मॉडिफिकेशन वीडियो, माय रिव्यू वीडियो में यार आपने कमाल कर दिया। एंड आई होप आपने कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी अबाउट द क्यू एंड ए के अंदर मैंने हर चीज का जवाब देने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ रह जाता था, सो आई एम देयर। ऑल्सो फॉलो यू मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर आप मेरी सारी की सारी स्टोरीज फॉलो करो और वहाँ जाके थोड़ा सा करो यार प्यार दिखाओ, यहाँ पर इतना दिखा रहे हो वहाँ पर भी दिखाओ, जल्दी 10,000 पार कर देंगे हम लोग साथ मिलके। इस ब्यूटी के साथ घूमने जाएंगे, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे एंड आपके लिए आगे आने वाले हैं बहुत सारे सरप्राइज ब्लॉग। जितना लोग आप प्यार दे रहे हो उस हिसाब से मेरा कंटेंट देना भी बनता है एंड आई विल गिव यू द बेस्ट थिंग पॉसिबल इन अपकमिंग ब्लॉग। सरप्राइजेज रहेंगे, हर चीज रहेगी, बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है। सो कनेक्टेड बी यू, क्रिएट न्यू, सब्सक्राइब नाउ, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून, बाय बाय, टेक केयर।